आज बात करेंगे यार बीटेक की। यहाँ काफी सारे हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनको बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि जब हम ट्वेल्थ पास करते हैं तो आप एक बार सोच के देखें आपके पास कितने सारे ऑप्शन होते हैं, क्या ऑप्शन होता है। सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको सामने दिखता है, वो होता है इंजीनियरिंग। भैया इंजीनियरिंग कर ले, तू इंजीनियरिंग कर ले, आप 2 साल 3 साल कोटा जैसे शहर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई नीट की प्रिपरेशन करने के बाद बच्चों के पास समस्या आती है, कॉलेज कहाँ से लूँ मैं राजस्थान से हूँ, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, कहाँ पर कॉलेज लेना चाहिए भैया, कैसे मिलेगा, क्या सारा प्रोसेस रहेगा। आज कुछ कॉलेजेस की बात करेंगे, अच्छे कॉलेज, एडमिशन प्रोसेस, प्लेसमेंट, आप पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। खैर शुरू से शुरुआत करते हैं, अब बात करते हैं इंजीनियरिंग की। हाँ जी, वैसे तो आपकी सीए से भी काउंसलिंग का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे आपको वैसे कम रैंक पे तो नहीं मिलता हो। हाँ, हमारा मुद्दा है वो बच्चे यार जिनके लाखों में रैंक है और जिनको एडमिशन लेना है, जिनको गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेना है। अब ये कॉलेजेस कैसे मिलेंगे, आप अगर रीप राजस्थान में पार्टिसिपेट करोगे वहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है, वहाँ पे भी काफ़ी ढंग के 10-15 कॉलेज है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक पे जाते हैं। ACPC गुजरात के लिए है, महाराष्ट्र के लिए CET लगता है, दिल्ली के लिए JEE दिल्ली, IIT के लिए JUSA है। तो भैया हमारे कम रैंक के काफी सारे हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दिया ही नहीं होगा एग्जाम ही जेईई का, बहुत सारे बच्चों ने 12th के साथ में CUET का एग्जाम दिया है। तो स्टेट वाइज अच्छे कॉलेज कैसे मिलेंगे, क्या प्रोसेस है। यार अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब के अंदर काफी ठीक ठाक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज तुमको मिल जाते हैं, जैसे एक कॉलेज है ज्ञानी जेल सिंह इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बठिंडा के अंदर, काफी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत सालों से चलता आ रहा है। उसका एक बड़ा यूनिवर्सिटी भी है, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद ऑफिशियल जो काउंसलिंग होती है पंजाब की वो है IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको IKGPTU बोलते हैं। हाँ जी, वो भी काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है। वैसे राजस्थान में अगर बात की जाए, वैसे पंजाब में अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बहुत सारे कॉलेजेज है, लुधियाना में आपको मिल जाएगा, आपको मोहाली के अंदर अच्छे ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएंगे। उसके बाद यार अगर बात करें राजस्थान की, राजस्थान में ठीक ठाक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जैसे RTU कोटा, BTU बीकानेर, MBM जोधपुर, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज, CTI कोटा, ये काफी ठीक ठाक कॉलेज है। अगर आप उत्तर प्रदेश की तरफ जाओगे आपको AKTU मिल जाएगा, काफी लो रैंक पे, हाँ बहुत कम स्कोर के ऊपर आपको एडमिशन दे देगा AKTU। अगर आप गुड़गांव नोएडा में देख रहे हैं देन आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन मिलते हैं। हरियाणा के अंदर बहुत सारे कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है। उधर अगर जम्मू वगैरह की बात की जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, बाबा बादशाह गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, फरीदकोट यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे उधर भी आपको कॉलेज मिल जाएंगे। उसके बाद में सबसे ज्यादा कॉलेज कहाँ पे भैया, महाराष्ट्र के अंदर। हाँ जी, आप महाराष्ट्र में बहुत कॉलेजेज है। वैसे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा कॉलेज कहीं पे है वो तो महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में, ठाणे में, तो आपको सबसे आसानी से तो महाराष्ट्र में एडमिशन मिल जाता है। काफी सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं भैया हमारे बच्चों को कहाँ एडमिशन कराए, कौन सा कॉलेज अच्छा है, प्राइवेट गवर्नमेंट। वैसे हमारा बोर्ड लाइन नंबर दिया है, आप इस पे कॉल कर सकते हो, आपको काफी अच्छा कॉलेज अलॉटमेंट हमारे एक्सपर्ट टीम की तरफ से कराया जाता है।